मथुरा जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में अध्यक्ष किशन चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में करीब 22 करोड़ के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। मथुरा जिला पंचायत के गठन के बाद आज दूसरी बैठक संपन्न हुई। हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत के अध्यक्ष किशन चौधरी। आइए जानते हैं बैठक में क्या कुछ रहा, जनपद के विकास को लेकर कितने प्रस्ताव पारित हुए। एक्चुअली आज जो जिला पंचायत की बैठक थी वो कल जिला योजना की जो बैठक होने वाली है उसके लिए, जिला योजना के लिए जो हमारे 17 मेंबर चुने गए निर्विरोध, उनको अप्रूव करना होता है जिला बोर्ड की बैठक से, वो बोर्ड की बैठक आज थी। और जो जिले की पूरी कार्य योजना बनी है कि इतना पैसा आने वाला है, उसको पैसे को इतने को हमको लगाना है, उस सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। अनुमानित धनराशि आने वाली संभावना करीब 22.5 करोड़ की संभावना है। 22.5 करोड़ रुपया पूरी साल में मथुरा जिले के लिए मिलना है विकास कार्य के लिए। ये जो विकास के लिए जो है कौन कौन से, पंचम वेतन आयोग का है या तृतीय वित्त आयोग के, कौन पंचम वित्त आयोग भी है, टोटल मिलाकर के राज्य भारत सरकार के मिलाकर के टोटल 22.5 करोड़ रुपया हो रहा है। के विकास को लेकर प्राथमिकता में क्या क्या बातें मुख्य रही? देहात की जो नाली है, खंजरा है, सड़क है, कीचड़ जहाँ हो रही है, एक गाँव से दूसरे गाँव के रास्ते हैं जहाँ स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, उन सब देहात के विकास की चर्चा रहेगी और विकास ध्यान रहेगा उस पर। फिलहाल जो आप देख रहे हैं जनपद में एक बहुत बीमारी फैली हुई है और कई बच्चों की मौत हो गई, तो फिलहाल ऐसी विषम परिस्थिति को देखते हुए कुछ जिला पंचायत ने कोई बैठक में निर्णय लिया? जिला पंचायत में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन सारे अधिकारियों को मैं संपर्क में हूँ। हमारे जिले के पूरे अधिकारी हर गाँव में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं वहाँ पर हर गाँव में जा रहे हैं, छिड़काव भी हो रहा है, दवाएँ भी दी जा रही हैं, टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बना दिए गए हैं और वहाँ पर सबकी जाँचें भी चल रही हैं। बीमारी आगे ना फैले उसकी रोकथाम के लिए और भी गाँवों में दवा का, हाँ जिन जिन गाँव में, हर गाँव में हम छिड़काव करवा रहे हैं, हर गांव में नाली में और गांव में हर जगह पर सार्वजनिक जगह पर छिड़काव हो रहा है और मतलब जन सूचना भी दी जा रही है सबको, बनाना पानी भरा ना रहे, कूलर में या कहीं पानी रखा हुआ है, भरा हुआ है, उसे साफ़ करें घरों में, सूचित भी किया जा रहा है, समझाया जा रहा है सब लोगों को। आज बैठक बहुत जल्दी ख़त्म हो गई शुरू होने के साथ साथ, तो क्या बात रही जबकि जिला पंचायत की बैठक तो काफ़ी देर तक चलती है? बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हुई, जो बिंदुओं पर चर्चा होनी थी वो सारे पर चर्चा हुई और चर्चा होकर सब लोगों ने सहमति दी जब बैठक ख़त्म हुई। सारे प्रस्ताव आप सहमति से हुए। क्या कितनी रही कुछ अनुपस्थित? लगभग एक दो लोग नहीं रहे होंगे, बाकी लगभग पूरा सभी लोग सदस्य मान्य था, उपस्थित थे। सुना जिला पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण सिंह चौधरी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 22.5 करोड़ के जिले के विकास को लेकर आज प्रस्ताव पास चुके हैं और आने वाले जो जिला योजना समिति की जो बैठक होनी है उसके लिए जो सदस्य है निर्वाचित हुए हैं उनका भी यहाँ लिस्ट है आज पारी गई। और उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो बीमारी फैली हुई है उसको लेकर भी ग्रामीणों को कहा गया है, सचेत किया जा रहा है विभागों को, जैसा कृष्ण सिंह ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत की में गाँवों में जो बीमारी फैली है उसको लेकर कोई चर्चा भी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने निजी तौर पर जरूर कहा कि मेरे संज्ञान में और मैं अधिकारियों के संपर्क में हूँ फिलहाल, लेकिन जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और प्रत्येक वार्ड में हैं उन्हीं के गाँवों में बीमारी फैली हुई है, तो ना तो किसी सदस्य ने इस बैठक में उस बात को उठाया और ना जिला पंचायत में इसमें कोई निर्णय हुआ। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है जबकि जिले का सबसे गंभीर मुद्दा है, क्यों पूरे जिले के अलग अलग ब्लॉक में ये बीमारी फैली हुई है, तो इसको यहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ चर्चा होगी, उस पर निर्णय होगा और उसके लिए कोई कदम उठाया जाए, लेकिन जिला पंचायत की जो ये बैठक हुई है बैठक में प्रस्ताव के रूप में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संदीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।